सभी बॉलीवुड सॉन्ग्स को कैसे अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो, वो भी बिना कॉपीराइट क्लेम के आप सभी पब्लिश करके अच्छी खासी रीच ला सकते हो। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताऊंगी वो ट्रिक। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल यूट्यूब मंत्रा। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले भी बात कर लेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सभी बिगनर हो, स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम वर्कर हो, फुल टाइम वर्कर हो, रिटायर्ड पर्सन हो, हाउस पर्सन हो, फ्रीलांसर हो, तब भी आप सभी काम आसानी से कर सकते हो। कैसे? तो आप सभी को लिंक जो है चेक करना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, मैंने आप सभी लोगों के लिए ड्रॉप किया है। जैसे ही आप सभी लिंक चेक करोगे देखोगे वहां पर आप सभी को 5 दिनों का डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है। और इस फ्री डेमो क्लास के थ्रू आप सभी समझ पाओगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, वेबसाइट्स कैसे बनती है, होस्टिंग क्या होता है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप सभी अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो, ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो, घर बैठे पैसे कमा सकते हो। सो गाइज, इसके लिए सिंपल एंड इजी स्टेप है, लिंक चेक करना है, नेम, मेल आईडी, फोन नंबर एंटर करना है, रजिस्टर करना है और अभी के अभी अवेल कर लेना है ये 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास। लोफी बॉलीवुड सॉन्ग्स के बारे में आप सभी ने सुना होगा क्योंकि बॉलीवुड में 2-3 तरीके के सॉन्ग्स जो बहुत ज्यादा है चलते हैं, स्लो होता है, लोफी होता है, रिवर्ब होता है, और आप सभी को इन्हीं में से एक लोफी सॉन्ग्स बनाना आज मैं सिखाऊंगी कि कैसे आप सभी जो भी ट्रेंडिंग म्यूजिक सॉन्ग्स हैं उस पर आप सभी लोफी सॉन्ग्स बनाकर अपने YouTube चैनल पर पब्लिश कर सकते हो। सिर्फ पब्लिश ही नहीं करोगे, वहां पर कॉपीराइट क्लेम भी नहीं आएगा, साथ ही साथ आप सभी अच्छी खासी अर्निंग भी करोगे, आपके चैनल की रीच भी जो है अच्छी खासी बढ़ जाएगी। अगर आप सभी को बिलीव नहीं होता तो आप सभी को खुद मैं ऐसे चैनल दिखाऊंगी रेफरेंस के लिए जो अच्छी खासी रीच है, उनके चैनल पर सब्सक्राइबर तो कम है लेकिन उनके व्यूज बहुत अच्छे आ रहे हैं, वीडियो बहुत वायरल हो रहा है और उन्होंने भी वैसे ही लोफी सॉन्ग्स जो है बनाए हैं। और आप सभी कैसे बनाओगे मैं आप सभी के साथ आज की इस वीडियो में ये ट्रिक जो है शेयर करूंगी। साथ ही आप सभी को एडिशनल बात बता दूं कि आप सभी को ऐसे सॉन्ग्स बनाने के लिए यानी कि लोफी सॉन्ग्स बनाने के लिए आप सभी को डेस्कटॉप या पीसी का यूज नहीं करना है, आप सभी अपने स्मार्टफोन से ही ऐसी वीडियोस जो है आसानी से बना सकते हो। सो आज की फर्स्ट टॉपिक में यानी फर्स्ट स्टेप में मैं आप सभी को बताऊंगी लोफी सॉन्ग्स के बारे में, रेफरेंस चैनल दिखाऊंगी। सेकंड में आप सभी बताऊंगी कि कैसे आप सभी को सॉन्ग डाउनलोड करना है, कैसे एडिट करके बिना कॉपीराइट क्लेम के आप सभी अपने यूट्यूब चैनल पर पब्लिश करोगे। थर्ड में आप सभी बताऊंगी कैसे आप सभी थंबनेल, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन जो है वो सारी चीजें जो है अपने वीडियोस के लिए यूज करोगे। सो काइंडली गाइज, आप सभी आज के इस वीडियो को एंड तक देखना, साथ ही मेरे चैनल पर नए हो तो अभी के अभी सब्सक्राइब भी कर देना। तो अभी आप सभी को मैं यहाँ पर यूट्यूब के सर्च आइकन पर दिख रहा होगा, मैंने सर्च किया है लोफी सॉन्ग्स और जैसे ही सर्च किया यहाँ पर बहुत सारे रिजल्ट आप सभी को दिख रहे होंगे। 3 डेज अगो इस वीडियो को पब्लिश किया गया था, 102K व्यूज है, 8 मंथ्स अगो 12 मिलियन व्यूज है, 1 आवर ऑफ नाइट हिंदी, लोफी सॉन्ग्स टू स्टडी, चिल, रिलैक्स, रिफ्रेशिंग। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कि लोफी सॉन्ग तो है ही एक, इसमें स्टडी, चिल, रिलैक्स, रिफ्रेशिंग ऐसे भी कंटेंट इन्होंने इंटर किए जिससे लोग यहाँ पर अट्रैक्ट हो सुनने के लिए। 30 मिनट फुल रिलैक्स विद टॉप बॉलीवुड हिंदी लोफी सॉन्ग्स, यहाँ पर मैशअप भी है, रिलैक्स मैशअप आप सभी देख सकते हो। और आप सभी भी ऐसी ही वीडियोज क्रिएट कर सकते हो, साथ ही साथ अपने चैनल पर अच्छा खासा व्यूज ला सकते हो। यहाँ पर आप सभी देख सकते हो 5.95K सिर्फ सब्सक्राइबर है लेकिन इनके वीडियोज पर व्यूज आप सभी देख सकते हो 838K व्यूज है। तो इनके चैनल को एक बार हम लोग यहाँ से चेक करेंगे और आप सभी देख सकते हो यहाँ पर इनके चैनल पर कितने कम सब्सक्राइबर हैं लेकिन इनके जो व्यूज हैं आप सभी देख सकते हो कितने अच्छे खासे इनके चैनल पर व्यूज आ रहे हैं, 23K, 838K, 1.8, 369K। तो आप सभी भी समझ सकते हो कि हाँ, जो मैं आज आप सभी को बताने वाली हूँ कि कैसे आप सभी बॉलीवुड सॉन्ग्स को अपलोड अपडेट कर सकते हो, वो भी लोफी सॉन्ग्स को, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, आप सभी अपने स्मार्टफोन से ही ऐसी वीडियोस आसानी से बना सकते हो। इसके लिए आप सभी चाहो तो थोड़ा बहुत रिसर्च कर सकते हो, आप सभी यूट्यूब पर एक्सप्लोर कर सकते हो कि कैसे सॉन्ग्स है, कैसे पब्लिश किया गया है, कैसे अपलोड किया गया और अपडेट किया गया है। और आप सभी यहाँ से बिना कॉपीराइट क्लेम के ही आसानी से ऐसे गाने यानी लोफी सॉन्ग्स जो है आसानी से पब्लिश कर सकते हो। तो सबसे पहले आप सभी को क्या करना है, इसके लिए जो हमारा फर्स्ट स्टेप होगा, आप सभी को जाना है गूगल पर और सर्च करना है ट्रेंडिंग सॉन्ग्स इन इंडिया, और जो भी ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है उसके अकॉर्डिंग आप सभी को जाना है। तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हो 2022 में अभी जो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स है उसमें बॉलीवुड सॉन्ग्स में आप सभी को कुसू कुसू यहाँ पर दिख रहा है, उसके यहाँ पर भी हम लोग उड़जा परिंदे
और हम सफर बहुत सारे ऐसे गाने आप सभी को मिल जाएंगे, और आप सभी हमेशा ऐसे टॉपिक ऐसे गानों के ऊपर अपनी वीडियोस बना सकते हो, तो यहाँ पर आप सभी को कंटेंट की भी कमी नहीं होगी। इन शॉर्ट मेरा बताने का ये मतलब था, अगर जितने भी जो भी ईयर में या मंथ में जो भी गाना ट्रेंड कर रहा है, आप सभी उस पर अपना लोफी सॉन्ग्स बनाकर और अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर सकते हो। और यहाँ से आप सभी को तो पता ही होगा कि सॉन्ग कैसे डाउनलोड करना है, और आप सभी के सॉन्ग पर कॉपीराइट क्लेम नहीं आए उसके लिए जितनी भी फर्दर एडिटिंग होगी, जो भी चेंजेस होंगे, वो मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप सभी एडिट कर सकते हो, वो भी अपने स्मार्टफोन से। तो सबसे पहले आप सभी को अपने फोन पर आना है। फोन पर आने के बाद आप सभी को, जैसा मैंने बताया था, ट्रेंडिंग सॉन्ग जो भी है सॉन्ग्स इन इंडिया 2022 सर्च करके, और यहाँ से जो भी टॉप गाने आपको लगे आप सभी एक सॉन्ग डाउनलोड कर सकते हो। सॉन्ग डाउनलोड कर लोगे लेकिन ये नहीं सोचना कि कॉपीराइट क्लेम आएगा और कैसे होगा, तो मैं आपको उसका सॉल्यूशन बताऊंगी। इसके बाद आप सभी को अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर जाना है। प्ले स्टोर पर जाने के बाद अब आप सभी को चाहिए एडिटिंग के लिए एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर या फिर एप्लीकेशन, तो आप सभी को अपने फ़ोन पर काइन मास्टर एप्लीकेशन जो है डाउनलोड कर लेना है। काइन मास्टर जो है आप सभी को डाउनलोड करने के बाद उसे ओपन करना है। मैंने आप सभी को पहले भी काइन मास्टर से एडिटिंग करके बहुत सारे ऐसे वीडियोस बताए हैं, और आज भी आप सभी को मैं काइन मास्टर पर ही एडिटिंग बताऊंगी। इसके बाद आप सभी को क्रिएट न्यू वाले ऑप्शन पर जाना है। 16:9 का रेशियो एज यूजुअल अभी यहाँ पर पिक करना है। और अभी हमें क्या करना है, आप सभी यहाँ से जब भी अपना वीडियो एडिट करो तो वाईफाई या फ़ोन का मोबाइल डेटा जो है ऑफ कर सकते हो, वरना एड्स आते हैं। मुझे रिकॉर्ड करना है इसलिए मैंने वाईफाई ऑन रखा है। तो आप सभी क्या करना है, यहाँ से सबसे पहले आप सभी को एक इमेज जो है यहाँ से पिक कर लेनी है। इमेज एसेट्स आप सभी को यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड दिख रहा होगा, और यहाँ से आप सभी एक इमेज जो है पिक कर लेना। और कोई भी गाना जो होता है ना, वो 3 मिनट से ज़्यादा का होता है या फिर 3 मिनट तक होता है, तो इसका ड्यूरेशन फिलहाल इस इमेज एसेट का मैं यहाँ से 3 मिनट 4 मिनट ऐसे करने वाली हूँ। और आप सभी भी अपने बैकग्राउंड इमेज का जो ड्यूरेशन है इंक्रीज कर लेना। और जैसे कि आप सभी यहाँ से ड्यूरेशन फिक्स कर लो, तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ पर आप सभी को लेयर पे जाना है, और सॉरी गाइज लेयर पे नहीं जाना, आप सभी को यहाँ पर ऑडियो पर जाना है। ऑडियो में जो आपने सॉन्ग डाउनलोड किया है उसे आप सभी को यहाँ पर लेकर आना है। तो अभी मैं यहाँ से चेक करूंगी जो मैंने सॉन्ग डाउनलोड किया था। तो गाइज यहाँ से देख सकते हो 3 मिनट 15 सेकंड का यहाँ पर ये सॉन्ग है, और यहाँ पर है, मैं इसे यहाँ पर एंटर कर लूंगी। एंटर करने के बाद इसका ड्यूरेशन यहाँ पर सबसे पहले मुझे इक्वल करना होगा, तो यहाँ से मैं इसे कट कर लूंगी। और अब आप सभी को क्या करना है, यहाँ से इस फाइल को आप सभी को सेव करना है। क्यों सेव करना है वो मैं आगे बताऊंगी। तो आप सभी इसे लो क्वालिटी में, जितनी भी लो क्वालिटी हो सके ना, आप सभी उसे यहाँ से लो क्वालिटी में बिल्कुल ही सेव कर लेना। तो यहाँ से इसे मैं एकदम लो क्वालिटी में सेव करने वाली हूँ। सो यहाँ से मेरा म्यूजिक जो है, जिसे मैंने इमेज एसेट्स एक बैकग्राउंड देके यहाँ से सेव किया है, आगे उसका क्या करना है वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन उससे पहले भी हम लोग क्या करेंगे, यूट्यूब पर चलेंगे, और यहाँ पर आप सभी को मैं वापस से सर्च करके दिखाऊंगी लोफी सॉन्ग्स। वो किस लिए, क्योंकि ताकि आप सभी को आइडिया लग सके कि आगे हम लोग कैसी वीडियो बनाने वाले हैं। तो यहाँ पर आप सभी को जितने भी लोफी सॉन्ग्स दिख रहे हैं, सब में आप सभी को यहाँ पर कुछ ना कुछ बैकग्राउंड दिख रहा है, और आप सभी को भी ऐसा ही बैकग्राउंड चाहिए अपने गाने के लिए जो आप सभी लोफी सॉन्ग्स बनाने वाले हो। और इस तरीके के आप सभी कॉपीराइट फ्री कहाँ से बैकग्राउंड लेकर आओगे, तो आप सभी को सिंपली क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, और आप सभी को एक एप्लीकेशन बता रही हूँ, इमेज सर्च मैन, आप सभी को अपने फ़ोन पर ये इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आप सभी यहाँ से अपने लिए एक बैकग्राउंड इमेज जो है डाउनलोड कर सकते हो। तो आप सभी अपने गाने के हिसाब से कैसी भी पिक्चर जो है डाउनलोड कर सकते हो, और यहाँ से मैं एक पिक्चर जो है कोई भी यहाँ से डाउनलोड कर लूंगी, और आप सभी को जो भी सही लगे आप सभी इमेज सर्च मैन पर सर्च करके एक इमेज जो है यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। मैंने इस इमेज को यहाँ से डाउनलोड कर लिया है, अब इसे मैं यूज़ करूंगी एडिटिंग के लिए। तो आप सभी को वापस से काइन मास्टर पर जाना है, और एक नया इंटरफेस जो है ओपन करना है। क्रिएट न्यू पर जाना है, और आप सभी को 16:9 का रेशियो पिक करते हुए एक नया बैकग्राउंड जो है, क्रिएट बैकग्राउंड जो है आपने लिया था उसे आप सभी को यहाँ से पिक करना है। अब पिक करने के बाद आप सभी को इसका ड्यूरेशन सेम रखना है, यानी कि 3 मिनट 15 सेकंड का, जितने भी मिनट का आपका सॉन्ग है उसके हिसाब से आप सभी को ड्यूरेशन रखना होगा। अब जैसे ही गाइस आप सभी अपना ड्यूरेशन एकदम परफेक्ट सॉन्ग के अकॉर्डिंग कर लोगे, तो आप सभी को इस इमेज पर क्लिक करना है। पैन एंड जूम का आप सभी को ऑप्शन यहाँ पर राइट हैंड साइड पर दिख रहा होगा, और आप सभी को यहाँ से इसे जूम करना है। जूम करने के बाद आप सभी को इसे इक्वल करना है, और इस तरीके से आप सभी का इमेज जो है जूम हो जाएगा पूरे वीडियो के लिए एंड तक। तो उसके बाद अब आप सभी को क्या करना है, फाइनल आप सभी ने जो पहले यहाँ से वीडियो रेडी की थी, जो बैकग्राउंड पर आप सभी यहाँ पर सॉन्ग जो आपने मैंने बताया था वैसे करना है। तो अब आप सभी को वो सॉन्ग को जो आपने पहले यहाँ काइन मास्टर से एडिट किया था, सेव किया है लो क्वालिटी में, उसे आप सभी को यहाँ पर लेकर आना है। तो आप सभी को यहाँ पर लेयर पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, और जो आपने काइन मास्टर से यहाँ ये वीडियो 3 मिनट 15 सेकंड की सेव की थी उसे आप सभी को यहाँ पर लेकर आना है। अब मैंने आप सभी को इसलिए उस MP3 जो भी गाने को आप डाउनलोड करोगे MP3 को वीडियो में कन्वर्ट करने इसलिए बोला क्योंकि कॉपीराइट क्लेम नहीं आए,
और ताकि आप सभी आसानी से इसे यूज़ कर सको। अब ये यहाँ पर आ चुका है, लेयर में ले चुके हैं हम लोग इसे। अब कैसे इसे यहाँ पर फिक्स करना है, तो आप सभी को यहाँ पर राइट हैंड साइड में बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं, तो आप सभी को सिंपली इसे स्क्रॉल डाउन करते जाना है। यहाँ पर आप सभी को ऑप्शन दिख रहा होगा ब्लेंडिंग का, इस पर आप सभी को क्लिक करना है। और आप सभी को यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है स्क्रीन का, तो स्क्रीन पर आप सभी को क्लिक कर देना है। अब यहाँ से प्रॉपर्ली जो है मिक्स हो चुका है, आप सभी देख सकते हो, और आप सभी इसे ड्रैग करके कहीं भी यहाँ पर फिक्स कर सकते हो। अब यहाँ से ये तो हमने फिक्स कर लिया, अब आप सभी को क्या करना है, वापस से लेयर पर जाना है, टेक्स्ट पर आना है, और आप सभी को यहाँ पर लिखना है गाने का नाम, जो भी आपका गाना है। और यहाँ से आप सभी देख रहे हो मैंने किस तरीके से लिखा है, लेकिन वापस इसे मैं एडिट करूंगी। अभी मैं नीचे वाला सेक्शन मुझे नहीं चाहिए, तो इसे यहाँ से मैं रिमूव कर दूंगी। और अभी इसका फॉन्ट यहाँ से मैं चेंज करूंगी, एक अच्छा सा फॉन्ट जो है यहाँ से ये पिक कर लूंगी, और इसे यहाँ से ड्रैग करके यहाँ पर ले आऊंगी। वापस लेयर पे जाऊंगी, टेक्स्ट पे जाऊंगी, और एक नया टेक्स्ट यहाँ से रेडी करूंगी, स्लो एंड लोफी, और यहाँ से इसका फॉन्ट मैं चेंज करूंगी और इसे यहाँ पर एडजस्ट कर दूंगी। तो आप सभी भी अपने गाने को इस तरीके से यहाँ से दिखा सकते हो। सो गाइज, आप सभी देख सकते हो इस तरीके से मैंने यहाँ पर लिखा, और आप सभी यहाँ पर लिख सकते हो गाने की लिरिक्स भी चाहो तो लिख सकते हो, उसमें थोड़ा बहुत लिखकर आप सभी एनिमेशन जो है यहाँ से वो भी ऐड कर सकते हो। इसके अलावा आप सभी बैकग्राउंड में भी चाहो तो कुछ एनिमेशन, अगर आप सभी चाहो ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट्स जो है डाउनलोड कर सकते हो। कैसे, तो वो भी मैं आपको बताती हूँ। आप सभी को क्या करना है, यूट्यूब पर जाना है, और यूट्यूब पर जाने के बाद आप सभी कुछ स्टार्स ग्रीन स्क्रीन सर्च कर सकते हो। वापस से यूट्यूब पर जाएंगे, और यहाँ पर आप सभी देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ से स्टार्स दिख रहे हैं, और आप सभी इसे डाउनलोड करके यूज कर सकते हो। तो यहाँ से मैं एक डाउनलोड कर लेती हूँ, इसे यहाँ से शेयर वाले लिंक से मैं इसका लिंक कॉपी करूंगी, और ब्राउजर पर जाकर यहाँ पर मैं सर्च करूंगी Y2 में, और आप सभी को यहाँ पर लिंक पेस्ट करनी है, और आप सभी को ग्रीन स्क्रीन जो इफेक्ट मैंने बताया था वो आप सभी यहाँ से इजीली डाउनलोड कर सकते हो। जैसे यहाँ से मैं डाउनलोड कर लूंगी, जैसे ही आप सभी का ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट जो है डाउनलोड हो जाए, आप सभी को वापस से काइन मास्टर पर जाना है, और यहाँ पर आप सभी चाहो तो लेयर पर क्लिक कर सकते हो। लेयर पर क्लिक करने के बाद आप सभी ने जो यहाँ से इफेक्ट्स डाउनलोड किया है उसे यहाँ पर लेकर आ सकते हो, और यहाँ से आप सभी यहाँ से ग्रीन स्क्रीन जो है यानी क्रोमा की पर जाओगे, इनेबल करोगे, और यहाँ से आप सभी देख सकते हो कि आपकी वीडियो कुछ इस तरीके की दिखेगी। तो आप सभी को यहाँ से मैं एक बार प्ले करके दिखाऊंगी आगे, लेकिन आप सभी को यहाँ से क्या करना है, पहले सारे के ड्यूरेशन जो है इक्वल कर लेने हैं, और यहाँ से आप सभी को ये ग्रीन स्क्रीन इफेक्ट जो है यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक करना है, और आप सभी को यहाँ से इसे डुप्लीकेट कर लेना है, डुप्लीकेट एज लेयर करना है, या फिर डुप्लीकेट ऐसे आप सभी करके इसे आगे रिपीट कर सकते हो। और उसके बाद गाइज, अब आप सभी के गाने पर कैसे कॉपीराइट क्लेम ही आएगा, तो वो आप सभी को मैं फाइनल स्टेप बता रही हूँ कि कैसे आप सभी अपने सॉन्ग को एडिट कर सकते हो, क्योंकि अभी यहाँ पर हमारे पास जो सॉन्ग है वो ओरिजिनल है और इसे कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो आप सभी को यहाँ पर सॉन्ग पर क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद आप सभी को इस साइड में लेफ्ट अपने राइट हैंड साइड में आप सभी को यहाँ पर स्क्रॉल डाउन करते जाना है, और यहाँ पर आप सभी को EQ का ऑप्शन दिख रहा है, तो आप सभी को EQ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, बास बूस्टर, बास रिड्यूसर, ट्रिबल बूस्टर, तो आप सभी को सिंपली यहाँ पर जो सेकंड ऑप्शन दिख रहा है ना, बास बूस्टर पर आप सभी को क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को इस म्यूजिक पर अप्लाई कर देना है। इसके बाद EQ के जस्ट नीचे आप सभी को रिवर्ब का ऑप्शन दिख रहा होगा, आप सभी को यहाँ पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप सभी को यहाँ पर जाना है स्प्रिंग रिवर्ब में, और आप सभी को ये सेलेक्ट कर लेना है। अब यहाँ से फाइनल हमारे सॉन्ग में कुछ बास आ चुका है, कुछ स्प्रिंग रिवर्ब आ चुका है, और अभी हम लोग इसका ड्यूरेशन जो है वो भी कम करेंगे। वो कैसे, तो आप सभी को यहाँ पर स्पीड पर क्लिक करना है, और आप सभी को बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि आप सभी को सॉन्ग को रिवर्व करना है, थोड़ा चेंज करना है ताकि कॉपीराइट क्लेम ना आए, लोफी सॉन्ग बन सके। तो आप सभी को स्लो म्यूजिक दिखाने के लिए यहाँ पर कुछ 1 सेकेंड इसे स्लो करना होगा। तो स्पीड पर क्लिक करने के बाद आप सभी को ये एरो इधर जो दिख रहा है ना, आप सभी सिंपली इसे यहाँ पर ला सकते हो, और 1 सेकेंड इसे यहाँ से आप सभी ऐसे इसका स्पीड जो है लो कर सकते हो, यानी कि कम कर सकते हो। यहाँ से आप सभी के सॉन्ग के लिए जो फर्दर जितनी भी चेंजिंग्स हो सकती थी मैंने आप सभी को यहाँ पर बताया कि कैसे आप सभी यहाँ से अपने गाना जो है चेंज कर सकते हो। तो गाइस, फाइनल हमारे यहाँ से वीडियो जो है रेडी हो चुका है, और आप सभी इसी तरीके से अपने म्यूजिक को चेंज कर सकते हो, जो मैंने आप सभी को EQ रिवर्ब बताया, कैसे स्लो कर सकते हो, यहाँ से आप सभी अपने म्यूजिक में सारे चेंजेस भी कर सकते हो। तो यहाँ से आप सभी को एक बार वीडियो में रन करके दिखाती हूँ, हो सकता है कि म्यूजिक नहीं जाए, और आप सभी अपना म्यूजिक जब एडिट करना तो खुद भी सुन सकते हो कि क्या क्या चेंजेस आए हैं, लेकिन हो सकता है कि अभी मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रही हूँ तो यहाँ से म्यूजिक नहीं जाएगा।
तो जैसे ही आप सभी का वीडियो रेडी हो जाए गाइज, आप सभी को क्या करना है, इसे यहाँ से एकदम हाई क्वालिटी में आप सभी को यहाँ से सेव करना होगा। जितने भी हाई क्वालिटी हो सकती है आपके फ़ोन पर, आप सभी इसे यहाँ से सेव पर क्लिक कर लेना। अब जैसा कि मैंने आप सभी को बताया था कि मैं आगे आप सभी को बताऊंगी कि कैसे आप सभी थंबनेल और टाइटल अपना बनाओगे, तो वो आगे चलो मैं आप सभी को बताती हूँ। तो जैसे आप सभी का यहाँ पे वीडियो सेव हो जाए तो आप सभी को आगे इसके लिए थंबनेल भी चाहिए, टाइटल भी चाहिए, तो आगे बताती हूँ, तब तक यहाँ से मेरी वीडियो सेव हो रही है। अब आप सभी को क्या करना है कि आपको जो मैंने एप्लीकेशन बताया था इमेज सर्च मैन पर जाना है, और यहाँ पर आप सभी को सर्च आइकन पर आना है, और आप सभी को यहाँ पर सर्च करना है लोफी सॉन्ग। और सर्च करने के बाद आप सभी देख सकते हो यहाँ पर आप सभी को बहुत सारे थंबनेल के ऑप्शन मिल जाते हैं जो कि नॉन कॉपीराइट है, आप सभी अपनी वीडियो के लिए यूज़ कर सकते हो इसे ईजिली, और यहाँ से आप सभी कोई भी इमेज यूज़ कर सकते हो। अब बात आती है कि कैसे आप सभी टाइटल और डिस्क्रिप्शन ऐड करोगे, और ये चीज़ें मैं आपको बता सकती हूँ, सजेशन दे सकती हूँ, क्योंकि हर बार आप सभी अलग अलग गाने पर ही वीडियो बनाओगे, तो आप सभी को क्या करना है, यहाँ से लोफी सॉन्ग जो है सबसे पहले सर्च करना है। यहाँ पर आप सभी एक्सप्लोर कर सकते हो कि इन लोगों ने कैसे टैग टाइटल डिस्क्रिप्शन डाले हैं, और इसके अलावा आप सभी का जो ओरिजिनल सॉन्ग है उसे भी आप सभी यहाँ से सर्च कर सकते हो। जैसे मेरा जो सॉन्ग था उसे मैंने यूट्यूब पर यहाँ पर सर्च किया, और यहाँ पर क्या टाइटल है आप सभी यहाँ से एंटर कर सकते हो देखकर, और डिस्क्रिप्शन आप सभी अपने सॉन्ग के हिसाब से लिख सकते हो, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का सारा लिंक जो है शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम और यूट्यूब व्हाट्सअप जो भी है वो सारी चीज़ें, और आप सभी हर समय अलग अलग गाने जो है बना सकते हो और अलग अलग टाइटल जो है ऐड कर सकते हो। इसके अलावा गाइस, अब आप सभी को टैग के लिए मैंने पहले भी कई बार एक अच्छा एप्लीकेशन बताया था जिसे आप सभी अपने लैपटॉप पर, डेस्कटॉप पर, साथ ही साथ फ़ोन पर भी यूज़ कर सकते हो, वो है vidIQ। आप सभी को जिस भी वीडियो का कीवर्ड टैग चाहिए होगा आप सभी ये एप्लीकेशन यूज़ कर सकते हो, या फिर ये एक्सटेंशन यूज़ कर सकते हो अपने डेस्कटॉप और लैपटॉप पर। साथ ही गाइस, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी कंसर्न हो, ओपिनियन हो, तो आप सभी मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आई होप गाइस कि आप सभी को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप सभी को ये वीडियो पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, मेरे चैनल पर नए हो अभी के भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करना ताकि आप सभी को यूट्यूब से रिलेटेड ऐसी अपडेट्स और इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। अब बात कर लेंगे वैसे लोगों के बारे में जो लोग ऑनलाइन मनी अर्न करना चाहते हैं, घर बैठे पैसे कमाना चाहते हैं, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, अपनी ड्रीम जॉब पाना चाहते हैं, खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, और इसके लिए कोई भी टेक्निकल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप सभी बिगनर हो, स्टूडेंट हो, पार्ट टाइम वर्कर हो, फुल टाइम वर्कर हो, रिटायर्ड पर्सन हो, हाउस पर्सन हो, तब भी आप सभी ये काम आसानी से कर सकते हो। आप सभी लोगों के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक ड्रॉप किया है, जरूर चेक करना। जैसे चेक करोगे देखोगे आप सभी को वहां पर 5 दिनों का डिजिटल मार्केटिंग का डेमो क्लास बिल्कुल ही फ्री मिल रहा है, और इस फ्री डेमो क्लास के थ्रू आप सभी जान पाओगे डिजिटल मार्केटिंग क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग क्या होता है, वेबसाइट कैसे बनती है, होस्टिंग क्या होता है, कैसे डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू आप सभी अपनी ड्रीम जॉब पा सकते हो, खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, ऑनलाइन मनी अर्न कर सकते हो। और फ्रेंड्स, इसके लिए जो इजी स्टेप है, आप सभी को लिंक चेक करना है, नेम, मेल आईडी, फोन नंबर एंटर करना है और अवेल कर लेना है ये 5 दिनों का फ्री डिजिटल मार्केटिंग डेमो क्लास। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर यू ऑल, बाय।